कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर हमारा, और ये 4, ठीक है। तो अगर बात करें पुराने एडिशन की, उसमें ये 4.4 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेम है, दोनों में 4.4 है, पर ये 4.4 है। अगर पुराने एडिशन की बात करें, नए एडिशन की बात करें, न्यू सिलेबस है जो, उसमें 4.3 है। फटाफट से पढ़ते हैं क्वेश्चन 4। तो इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है, इफ सो, अगर है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो अगर ये पॉसिबल है सिचुएशन, कभी आगे बोली गई अपने को, तो उसके अगर है पॉसिबल, तो उसके आपको प्रेजेंट एज भी निकालनी है। क्या है सिचुएशन, क्या है भाई, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। के मतलब दो फ्रेंड है भाई, उनकी एज का सम कितना है, 20 है। कितना है, 20। मान लो आप हो और आपका दोस्त है, आप मान लो आप हो 12 साल के और आपका दोस्त है 8 साल का, है ना। तो 8 और 12 को प्लस करके 20 आएगा। तो ऐसा ही बोल रहा है वो कि दोनों दो फ्रेंड है, उनकी एज का सम 20 आ रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 20 इयर्स की बात करते हैं ना, 20 का सम क्या खेल है। तो देखो, अगर बात करें, मान लो ये फ्रेंड F1 है, उसकी एज है, फ्रेंड F2 उसकी एज है, तो ये कितने हैं, 20 इयर्स है। अगर मान लो फ्रेंड F1 की एज निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, फ्रेंड F1 क्या होगा, ये 20 माइनस F2 होगा, है ना, प्लस माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही हम लेट कर लेंगे कि मान लो एक फ्रेंड की एक्स, ये कितनी है, एक्स है, कितनी है, एक्स है। एक फ्रेंड की जो हमारी एज है वो कितनी है, एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, F1 की 20 माइनस F2 क्या, F2 एक्स लेट करा है, तो ये ठीक है। अगर एक मेन, अब मेन क्या है कि अगर एक फ्रेंड की एक्स है, दूसरे कितनी हो जाएगी, दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस हटा देना है यहां से। बता रहे हैं कि अगर एक फ्रेंड की एक्स है तो दूसरे फ्रेंड की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। इतनी तो होगी कि अगर मान लो आप दोस्त हो और भाई आपके दोस्त हो, आप और आपके दोस्त की एज मिला के 20 है, वही पूछ रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि मान लो आपकी एज 8 साल है, तो आपके दोस्त की कितनी होगी, कैसे निकाल लोगे, 20 में से माइनस कर लोगे ना आप 8 को, तो 12 साल हो गया आपके दोस्त के, क्योंकि दोनों की एज का सम 20 है, ठीक है। 20 में से 20 8 को माइनस करो तो 12 आएगा, तो 12 आपके दोस्त की एज हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर एक बंदे की एज पता है, दूसरे बंदे की एज कैसे निकाल लेंगे, टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। तो एक बंदे की एक्स है, दूसरे बंदे की हो जाएगी 20 माइनस एक्स। समझ आ गया, समझ आ गया। आगे बात करते हैं, 4 इयर्स एगो मतलब 4 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब पास्ट जो बीत गया है ना, पहले जो हुआ था ना पास्ट, मतलब माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। अगर फ्यूचर की बात करते तो हम कहते प्लस करते। अच्छा, कितना माइनस है, 4 ईयर है, मतलब 4 साल पहले की बात है, मतलब दोनों की एज में से 4 इयर्स को हमें हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 4 साल पहले पहुंचेंगे हम, पीछे पहुंचेंगे, समझ गए। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज कितना है, 48 है। मतलब 4 साल पहले की बात करें, ये तो होगा इसकी 4 साल पहले वाली, और इसकी क्या होगी 4 साल पहले वाली, 20 माइनस, इसको रब कर दूं या नीचे लिख देता हूं, एक सेकंड नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा। क्या बोल रहा है, ये तो उनकी प्रेजेंट एज होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 4 साल पहले बात करो भाई, तो ये कितनी हो जाएगा, ये माइनस फोर हो जाएगा। जैसे आप 12 साल के थे या आप 8 साल के थे, आप 8 साल के थे तो 4 साल पहले आप कितने साल के हो गए, आप 4 साल के हो गए। आप अभी 12 साल के हो तो 4 साल पहले कितने साल के हो गए आप, कितने हो गए, 8 साल के, 12 में 4 हटाना पड़ेगा ना। तो ऐसे अभी x है, तो ये 4 साल पहले कितने का हुआ होगा, x माइनस 4 का, और ये अभी 20 माइनस x का है, तो 4 साल पहले कितने साल का हुआ होगा, 20 माइनस x माइनस 4 का ना, 20 माइनस x माइनस 4 का, ठीक है। अभी 4 साल पहले की एज है पहले वाले बंदे की, और 4 साल पहले वाली एज है दूसरे वाले बंदे की, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, दोनों की एज का देखो मल्टीप्लाई करा, मैंने ब्रैकेट लगाया, प्रोडक्ट जो है कितना है, 48, कितना है, 48। तो हमारी एक क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये x माइनस 4, ये 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो खैर हमें आगे देख लेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। तो यहां से इक्वेशन बनेगी, समझ आया ना, समझ आया। तो फटाफट से हम लिखते हैं, लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ना, पहले
x years. To let the age of second friend कितने रहेगा भाई? 20 minus x years. ठीक है, तो अब करते हैं according to question. बोल रहा है चार साल पहले तो भाई, चार साल पहले जो इनका प्रोडक्ट था वो कितना था? 48. तो ये x था, चार साल पहले x मैच 4 हो जाएगा. ठीक है, यहां लिखते हैं 4 years. Yes. Ago. 4 years ago के हिसाब से ही कर रहे हैं हम. ठीक है, तो ये x है, x minus 4, और ये 20 minus x था, तो माइनस 4 करेंगे ना चार साल पहले करने के लिए, तो माइनस 4. अब जो इनकी एज जो है करने के बाद, माइनस करने के बाद, चार साल पहले जो एज बनी, वो उनका प्रोडक्ट जो है एज का, वो है 48. ठीक है, तो x माइनस 4 ये 8 है भाई. ठीक है, ये हो गया 16 माइनस x इक्वल्स टू 48. इसको मल्टीप्लाई करते देखो फटाफट से, x को पूरे से करेंगे, माइनस 4 को पूरे से करेंगे. x 16 माइनस x इज माइनस 4, 16 माइनस x, ठीक है, माइनस 4 है. ये 16x माइनस x स्क्वायर, ये क्या बनेगा? माइनस 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई x 4x 48. ठीक है भाई, अब जो ये माइनस x स्क्वायर यहाँ, माइनस ये प्लस का 16x है और ये प्लस का 4x है, तो कितना जाएगा? प्लस का 20x और ये माइनस 64 एज इट इज. ये माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस था. ठीक है, माइनस 48 इसको ले आएंगे यहाँ, और ये इसको 0. ठीक है, यहाँ कर दो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 20x और ये माइनस माइनस प्लस, यो क्या बन गया? 64 है ना, 64 और ये 48, कितना हो गया ये? पहली बात तो माइनस का आया, क्योंकि माइनस 64 बड़ा है तो माइनस का आएगा. ठीक है, 64 और हमारा 48 कितना बन जाएगा? 112. ठीक है कोई दिक्कत? अरे बोलो, अरे बोलो. ठीक है, इसको 0. ठीक है भाई, अब इसको पॉजिटिव करना होता है हमेशा, एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, मतलब जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है? जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1, तो माइनस 1 है, पर हमेशा प्लस का होता है, तो इसलिए इस चक्कर में हम माइनस को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ अगर माइनस को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, कुछ ऐसे करो ना, कुछ ऐसे माइनस है, ये माइनस है और यहाँ 0 के पास भी माइनस है. ये तुम्हें दिमाग में करना है, लिखना नहीं है बस. ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 0 आगे माइनस प्लस का मतलब नहीं है तो वो 0 होगा. ठीक है, बल्कि ये चीज तो है, तुम्हें अपने माइंड में रखनी है बस. ठीक है, ये चीज तुम्हें अपने माइंड में रखनी है, जरूरी नहीं है आप लिख के दिखाओ. तो इक्वेशन बन चुका है x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 = 0. अब वो बोल रहा है, इक्वेशन तो बन गई है, अब वो बोला था कि अगर ये पॉसिबल है तभी निकालने इनकी प्रेजेंट एज, मतलब जो प्रेजेंट एज है x की, x है और 20 माइनस x है. ठीक है, जो जो ये निकालनी है ना, ये तभी नहीं करना जब ये पॉसिबल हो, जब ये क्या हो? पॉसिबल हो. पहले चेक करते हैं पॉसिबल है भी क्या नहीं, कैसे चेक करेंगे? नेचर निकालेंगे रूट्स की, तो नेचर निकालते हैं. तो नेचर निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को? बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए एबीसी की वैल्यू भी तो चाहिए. सबसे पहले क्या करते हैं? एबीसी की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, एबीसी की वैल्यू होती क्या है? देखो इधर देखो, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मतलब ऐसी कुछ लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देख रहे हो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी. तो यहां से अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है. कोएफिशिएंट क्या भी है जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए है. एक्स क्या है? बी है. सी क्या है? कॉन्स्टेंट. तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट? 1 है. कुछ नहीं मल्टीप्लाई तो 1 ही मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ए की वैल्यू यहाँ क्या है? 1 है. एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी है. यहाँ का एक्स का कोएफिशिएंट क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ? माइनस 20. तो b कितना है? माइनस 20. और c तो कॉन्स्टेंट, यहाँ कॉन्स्टेंट क्या सी? 112. ठीक है, तो अब नेचर निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेगा नेचर के लिए, नेचर चेक करने के लिए, पॉसिबल है कि नहीं है. तो b की वैल्यू पुट करो भाई, b की वैल्यू क्या है?
माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 है, ए सी क्या है 1 1 2 है, तो कितना हुआ, ये हो गया हमारा प्लस का 400 है ना, प्लस का 400 और ये माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 844, अब 400 में से 448 माइनस करेंगे ये, तो हमारा क्या आएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा ये माइनस का 48, माइनस का 48 तो क्या भाई नेगेटिव आ गया, तो मतलब जीरो बढ़िया, इससे जीरो बढ़िया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है ना, जीरो से छोटी आई है, नेगेटिव आई है, ये कब होता है जब हमारे रूट एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब नो रियल रूट्स है, देयरफॉर इट हैव नो रियल रूट्स, इसके पास रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है तो इसका मतलब ये पानी पॉसिबल ही नहीं है, तो लिख लेना यहाँ, यहाँ लाइन लिखनी है आपको, ठीक है, यहाँ लिख दो वो लाइन, यहाँ से लिख लेना, यहाँ लिखनी है वो लाइन कि देयरफॉर दिस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, लो चेक करना ना पॉसिबल है कहीं, तभी निकालने, पॉसिबल ही नहीं है भाई, वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, समझ गए, तो क्या स्क्रीनशॉट ले लो या छाप लो, मर्जी आपकी है, तो ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय, और सब क्या है, अरे बोलो बोलो भाई।